कि हे भगवान या तो उन्हें सारे फेल कर मी फेल करने मंजूर है या ए पास हो तो मी भी पास कर मैं कल्ला फेल होना चाहता छे में कैसे किया पुरजे से किया नकल मार के किया कैसे किया बेंच बहुत अच्छा हुआ मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि पेपर भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए ठीक है घर से ना पढ़ के आओ मैं दोपहर को पढ़ने लगा था मैंने अमन की ऐनक डाल दी वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा थके उसी भी कख लबा मुंबई कितना सिलेबस हो गया आपका आज कुछ बोलना चाहते हो आप पूरा था कितनी यूनिट है ये नहीं पता लेकिन पर आता सर है तेरे को हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस अनुभव राजपूत आपका दोस्त आपका होस्ट आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेके आया हूं यार मैं तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं कि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं और बड़ा ज्यादा मतलब स्ट्रेस आ गया इस पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेस ये है कि पास कैसे करना क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस तो उनको जिन्होंने पढ़ना वगैरह होता है लेकिन यार कसम से मैंने बड़ी ट्राई किया है यार इस बारी पढ़ने का लेकिन यार मेरे से नहीं पढ़ा गया मैं क्या कर सकता हूँ यार मतलब ध्यान लगता ही नहीं है यार अगर ध्यान लगे फिर तो बंदा पढ़ लेता है लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है यार पढ़ने के लिए पता नहीं ध्यान कहाँ पे उड़ता रहता है आप आगे पीछे मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी आज अपने साथ कॉलेज में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि हमारे वहाँ पे कॉलेज में एग्जाम कैसे होता है मैम कॉलेज में और हमारा एग्जाम कैसे होता है लेकिन मेरे को आज ऐसे वाइब आ रही है कि आज मतलब एग्जाम अच्छा हो जाएगा तो पहले वाले तो चलो हो गए हैं भगवान की दया से अच्छे इसकी आज वाला एग्जाम भी अच्छा हो जाए यार मेरे को वाइब तो आ रही है लेकिन अब पता नहीं क्या होता आपको शायद थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें सूजी हुई भी दिखाई दे लेकिन ये कोई जो है आंखें सूजी ये कोई पार्टी वगैरह की वजह से नहीं है ये पहली बार पढ़ाई की वजह से सूजी है क्योंकि मेहनत कर रहा है यार आपको भाई यार कसम से बड़ी मेहनत कर रहा है यार तो बाकी फटाफट अभी चलते हैं और आगे चलते हैं कॉलेज में और मस्ती वगैरह करते हैं और अपना एग्जाम देते हैं तो लेट्स गो तो भी यार जस्ट बस में बैठ गए हैं और यहाँ से भी आधे रास्ते में हम उतर जाएंगे और आगे जो हमारा दोस्त है वो आगे वेट कर रहा होगा तो वहाँ से हम बैठते हैं उसके साथ और आपको थोड़ा बहुत आज बस का सफर भी दिखाते हैं बस में जो कैसे ट्रैवल होता थोड़ा बहुत जिन्होंने नहीं किया तो हमारे कठुआ जो मुगी ये जो बस है तो कैबिन देख लो आप पहले इसका आगे थोड़ा ट्रैवल करते हैं और मिलते हैं मेरे दोस्त के साथ यार अभी बात है ऐसे कि हम भाई के स्टॉप के बारे पे उतर गए हुए बस से लेकिन भाई मेरे को कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर से बस में नहीं बैठना पड़ा कि देखते हैं किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज तो किस्मत खराब चल रही है मैं बताता हूँ क्या हुआ आज मेरे साथ सुबह सुबह क्या हो गया मेरे को लगा भाई तू आएगा नहीं पता मेरे को लगा फिर से बस में बैठना पड़ेगा और बताओ नहीं पहले एक बोली लाइन बोल अपनी जो एक डायलॉग में बोली थी ना पिछले व्लॉग में धूप बड़ी है यूनित भाई सही किया गलत किया बिल्कुल सही किया भाई बड़ी दूर होती है इधर लेकिन मेरे को गलत ये लग रहा है कि यार आपने नहीं डाली नहीं कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं मैं डाल रहा हूं नहीं तू डाले पकड़ो फिर फोन अपने नाल ना थोड़ी जी माड़ी हो गई है जो मैं बता रहा था ना आपको मेरे से गलत हुआ तेरे को पता मेरे से गलत क्या हो गया भाई तेरा रोल नंबर घर में भूल गया यार चक्कर क्या हो गया मेरा रोल नंबर घर भूल गया यार लेट लेट बैग भी घर भूल गया पेन पुन सब कुछ लेना पड़ेगा आफ्टर दो तीन घंटे के बाद हम कॉलेज पहुंच गए हुए हैं क्यों और ये मिला मेरे को आते ही गेट के ऊपर और इसने कुछ नहीं किया कोई है या नहीं आती भाई इसने ऐनक खुला लिया यार मैंने अपनी आंखें भी बचाने के लिए डाली थी वो भी इसके मामू की है पर कुछ की नहीं है इसे कुछ नहीं है अपना सब मामू का लेके आया ये तो गजब बेइज्जती है तो मैं आपको ना एक जगह लेके आता हूँ जहाँ पे 3 साल हम कॉलेज में पढ़े और आज तक एक बार ही नहीं गए लेकिन पीछे कोई एक महीने से हम जा रहे हैं जब से पेपर आ गए बड़ी खतरनाक जगह है आज ये बंदे भी लाइब्रेरी में जो कभी क्लास में नहीं दीदी सही बोला आज तक कभी इतनी मेहनत से तू क्लास में पढ़ा है बोल भाई अगर तो इतना सोच समझ के पढ़ा होता ना एक और दो तीन बंदे आए भाई अगर आप क्लास में पढ़े होते ना आपको लाइब्रेरी में आने की जरूरत नहीं होनी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सही बोला तेरे को तेरे को 3 साल हो गए कॉलेज पढ़ते हो तू कितनी बारी लाइब्रेरी में आया मेरे को तो पता भी नहीं था लाइब्रेरी कहाँ पे आया पता चला भाई मजाक नहीं सही बोल रहा हूँ इतना मजाक ना कर यार मैंने डाल दी ना यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ऐसे बुक छोड़ के मेरे को लग पड़ेंगे देख अब बोलिए मुंबई कितना सिलेबस हो गया आपका आज कुछ बोलना चाहते हो आप पूरा था कितनी यूनिट है ये नहीं पता लेकिन पर आता सर है तेरे को पेपर के बाद मिलता हूँ क्या बोल बोल बैग नहीं लाया मैं नहीं लाया पेपर के बाद मिलना
2000 years later. नितिन भाई पहले ये बताओ आपका पेपर कैसा हुआ? भाई पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 3 लाख आप आंसर... तो आप तो सब कुछ लेके आए थे भाई। हम लेके तो आए थे 3 आंसर, मैंने 3 लाख आंसर मेरे पास भी थे पर मेरे को याद भूल गए यार। तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने सोचा कि ऐसे ही फेल ही हुआ। अच्छा एकलव्य आप बताओ कैसा हुआ? एकलव्य का अच्छा हुआ, मानिक ठीक ठीक हुआ, मतलब पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है। और मानिक आपका आप बता दो एक बार। मैंने फुल किया, बस 2 नंबर का छोड़ा बस। भाई हो यार अपने ना, आपने 78 का किया, मैंने 79 का। बहुत अच्छा हुआ। मैं बस इतनी बात करना चाहता हूँ, पेपर को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? घर से ना पढ़ के आओ। मैं दोपहर को पढ़ने लगा था और शाम को 2 घंटे मैंने 2 यूनिट कर लिए थे, रात को 1 और किया था। मैं उसके बाद बस में आया, मैंने आधा यूनिट और कर लिया। जब पेपर में पहुंचा मेरे 4 यूनिट कम्प्लीट थे। इधर आके सारी चीटिंग तुमने मेरे पास। चलो ये तो रब को पता है, मेरे सब्जेक्ट अलग है, इसके सब्जेक्ट अलग है, अलग है। मैंने कोई चीटिंग नहीं मारी किसी से, मैं 18 से 79 का करके आया हूँ। 1 महीने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हुआ और मैं लिखना नहीं चाहता था। मैं चलो कोई नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है मेरे पे CBI इंक्वायरी बैठ जाए। 60 का कैसे किया? पुर्जे से किया, नकल मार के किया, कैसे किया? बेंच आगे पीछे करके किया, कैसे किया? बेंच के आगे पीछे करने नहीं। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो। एक बात बोलना चाहता हूँ कि हे भगवान, या तो इन्हें सारे ही फेल कर, नहीं फेल करने मंजूर है, या ए पास हो तो मैं भी पास कर, मैं कल्ला फेल नहीं होना चाहता। इसे थोड़ा दूर भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अमनो ए अमन जी ब्रो, अमन भाई ये जो आपके ड्रामे है ना भाई, आप डेली लेट कर देते, पता मेरे को आपने भाई जम्मू रहना, मैंने कहाँ जाना पता? आपको कर छोड़ के कठुआ जाना है। कठुआ? हाँ तो कठुआ तो भाई रात को 10 बजे पहुँचूंगा मैं। कठुआ हो गया, पहुँच तो जाएगा ना भाई, पहुँचता तो हर कोई है भाई, क्या बात कर रहा था ये। अब हम पहुँच चुके हैं और जाते टाइम देख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं ऐसे पुल से बाइक। ये किसी के पास भी और बंदे हम काफी ज्यादा है और यहाँ पे नाका बड़ा खतरनाक होता है, गुजर नगर वाला है ना। हाँ तो अब देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना इनका। चलो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। यार आप पीछे व्यू देखो यार कितना सही है, लेकिन इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं तो एक दो फोटो की जाते चलो ठीक है फिर मिलते हैं, अगले पेपर में मिलते हैं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मैं इधर चल जाऊंगा मैं। तू एक दुआ कर, यहाँ मैं भी पास हुई यहाँ सारे फेल हो जाए। चल तू यहाँ BCA है तो भाई, इनकी बात चलती रहेगी गाइस, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।